इसको कहेंगे पवित्रता। इसको कहेंगे, पहली तो सर्वंश त्यागी होता ना, और आज्ञाकारी, तीसरा वफादारी, चौथा था विश्व सेवादारी, पांचवा कर्म बंधन। तो इसमें सच्चे सच्चे आशिक, तो जितनी एक फीलिंग होगी ना, प्योरिटी का मतलब ही है, एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ प्योरिटी का मतलब ही कि दूसरे किसी के प्रति दृष्टि, जो हमारी अटैचमेंट है वो कम हो जाए। जिसका जितने संपर्क होता है ना, उतना उससे प्यार बढ़ता जाता है, किसी से भी जितना ने साथ में रहते हैं। तो अगर ज्ञान नहीं है, लौकिक दृष्टि है, तो फिर वो अटैचमेंट में चेंज हो जाता है। तो पवित्रता का मीनिंग ही है ये अटैचमेंट को कम करना, जीरो करना। तो चलो बाबा की शर्तों में सुनते हैं। 22:3, 22:3, 22। अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ पिछले महीने। हाँ अच्छा, मीठे बच्चे अगर बाप से मिल पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करो। किसी को याद नहीं करो, ये है रूहानी आशिक। ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों को पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? देवताओं तो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ करके बने। ब्राह्मण्स आर मोर एलिवेटेड ना, और रूहानी सेवा करते हैं, परमात्मा के बच्चे बने हुए हैं। वहां तो सतयुग में तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, ईश्वर हाँ को जानते ही नहीं, भगवान साथ ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर रूहानी सेवा। है। मनुष्य की रूह को, आत्मा को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवता ही नहीं करेंगे। कर्म सारा तो इस पीरियड में हो रहा है ना, देवताओं के जैसे कर्म असुरों की राज्य में, वो इस पीरियड में हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते एक ऐसी सेवा देवता ही नहीं करेंगे। वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता उससे भी ऊंच है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चों ये गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्मा आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है। ये कर्म क्षेत्र है जहां हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते मुझे भी पाठ बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूं।
इस समय इस पति दुनिया में एक भी पावन नहीं है और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहे। बाबा क्यों कहते एक भी पावन नहीं, हम बच्चे तो पवित्र है। पवित्रता की डेफिनेशन बाबा कहते वैसे भी शरीर बेसिक, मन और तन और मन, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। बेशक आत्मा भी पवित्र बन रही है, वो भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन तन तो है ही नहीं ना। तो पावन पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं। सत्युग त्रेता पावन द्वापर कलयुग पतित, पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देता है कि क्या ये आत्माएं तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, उसमें आधा समय सुख आधा समय दुख पाया है ना। कोई दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, अभी बहुत दुख है, अर्जुन बहुत, अभी तो बहुत दुख है, आगे अर्जुन, अर्जुन वर्ड सुना ना बाबा, छूटने वाले हैं अर्जुन, अर्जुन ये है महाराष्ट्र वाले जानते हैं, अभी तो और भी मतलब और ज्यादा, अर्जुन अर्जुन बाकी है, ये महाराष्ट्र मराठी वर्ड है। अभी और इसको कहेंगे अर्जुन। बाबा कुछ गुजराती वर्ड लेते हैं, कुछ मराठी, कुछ सिंधी वर्ड। सभी जो देख रहे हो वो कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ होने वाला है। अर्जुन बहुत आपदा आने वाली है, और चाहिए, और को बोलते अर्जुन। और इस समय सब भ्रष्टाचारी है, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। भ्रष्टाचारी अर्थात भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है बाबा के ज्ञान के, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन ज्ञान के साथ, के साथ करप्टेड, वो तो लौकिक डेफिनेशन है बाबा के ज्ञान से। काम पतित जो विकारी, अभी तो बाबा कई बार कहते हैं ना भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं पतित। तो जैसे देखो आत्मा, अब बाप बैठ समझाते हैं, कोई का भी योग बाप के साथ है ही नहीं। हाँ आज का पूरा योग मुरली के समय का प्रैक्टिस होगा बाबा साथ, बाबा सामने, बाबा टीचर बन के सुना रहे हैं, ऐसे बाबा के साथ का लोग, ठीक है। और मैं संगम योगी फरिश्ता, एक घंटा यही करना, फिर हम चेक करेंगे अपने आप को कितना समय रहा। अच्छा तो बाबा कहते हैं कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है, देखो आज हमारा योग कितना बाबा के साथ रहेगा। आत्मा अपने को भूल गई है, अब बाप बैठ समझाते, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते हैं। वह सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, लैला मजनू आदि, एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वो विकार में नहीं जाते, काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अभी यह है क्या बाबा कहना चाह रहे, एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या बोला, दो टाइटल दिए स्टार्टिंग के, पावन आशिक, सच्चे सच्चे रूहानी आशिक, दूसरा टाइटल रूहानी सोशल वर्कर। हाँ सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर, सच्चे सच्चे रूहानी आशिक, सिवाय बाप के बाबा पढ़ा रहा है, बाबा देख रहा है। आशिक को क्या दिखता था, माशुक दिखता था ना। तो बाबा कहते हैं दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ, तो बाबा
काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाता है। अभी यह है परम पिता परमात्मा माशुक, माशुक है ना। जैसे कई बार हमने डिस्कस किया ना, हर कोई वन पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है, दुनिया में कोई नहीं अपना है। हाँ लवर बिलव्ड, बहुत जिसको मैं प्यार करता हूँ, हाँ कोई भी संबंध, जिसकी हम सब आत्मा आशिक बनी, सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशुक एक है सभी का, हर कोई बिलीव करता है ना कभी तो। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने नहीं अनुभव किया, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, कि बस सचमुच दुनिया में कोई अपना नहीं है भगवान के सिवा। किया है किसी ने ऐसा अनुभव, या ऐसा है जो इसने कभी नहीं किया ही नहीं हो ये अनुभव, ऐसा कोई है वो हाथ उठाए। अच्छा सुलभा बहन हाथ उठा रही, किसमें? नहीं नहीं किया उसकी बात कर रहे हो, ऐसा कौन है जिसने नहीं किया? तेजस्वी है, उसने किया है ऐसा अनुभव। अच्छा बाबा कहते हैं कि नहीं हाथ नहीं उठाया क्योंकि वीडियो वाले तो कम दिख रहे हैं, बाकी सब बाकी अभी देवताएं तैयार हो रहे हैं, अभी देवताएं सारे तैयार हुए नहीं इसलिए पट खुले नहीं है सब देवताओं के। दीदी अभी सब मासूक हुए, पुजारी पुजारी खुला नहीं है पट, पुजारी अभी सब मासूक हुए नहीं है, अभी सब मासूक हुए नहीं है, मासूक हुए नहीं है इसलिए पट नहीं खोला। भाई पट खोलो, अमृत ये गर्मी का मौसम आ गया, सूरज बहुत जल्दी आ जाता है। पहले जमाने में कहते थे सूरज आते ही सूरज के बाद नहीं उठना चाहिए, सूरज के पहले किरण आनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब मिलन भगवान हुआ माशुक, अब मिलन कैसे हो? तो जो तो सबका जो माशुक है परम परमात्मा वो आते हैं, वो आए हैं, अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है, एक और पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी आशिक हम, तो तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे एक को याद करो, एक को याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुखी दुख है, अभी इनका विनाश होना है, धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वह निराकार बाप कहते हे मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अभी पुण्य आत्मा बनना है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाप कहते 63 जन्म तुम रावण राज्य में पापात्मा थे, अभी तुमको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं, देवताएं पुण्यात्मा है, पापात्माएं ही पुण्यात्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले ले वे? क्यों ना पुण्यात्मा बन जाए? सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना, विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। विकार में जाना सभी समझते हैं ना, अपवित्र बनना, उसको बाबा कहते विकार, क्रोध विकार, काम विकार नहीं, विकार ओनली विकार जब बाबा यूज करते काम विकार के लिए यूज करते। फिर जब पावन बनते तो सब उनको माथा झुकाते हैं, पहले जब पति थे तो कोई झुकते नहीं थे, या तो माथा आदि टेकने की बात ही नहीं है, क्यों उनके आगे माथा झुकाते? प्योरिटी की कमाल है ना उनका। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम यह आए हैं पाठ बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है, तुमको वापिस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। देखो कितना अच्छा लॉजिक बाबा ने कहा, क्यों हम बच्चों को पवित्र रहना है, ये हमारी रूहानी यात्रा है,
डेस्टिनेशन हमारा क्या है, स्टेशन क्या है हमारा इस यात्रा का? परम धाम, परम धाम सत्युग, परम धाम माया, परम धाम सत्युग, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन है हमारा सत्युग वाया परम धाम। तो अगर ये यात्रा शुरू की है, मुरली सुन रहे मतलब यात्रा चालू कर दी, तो पवित्रता मस्ट है, रिक्विजिट है इसके। तो बाबा कहते हैं अभी जिस्मानी तीर्थ यात्रा सब बंद होनी है, तुमको वापस घर जाना है। फिर घर में जब यात्रा पर जाते हैं, जनरली ऐसा होता है, एक्चुअली आजकल तो यात्रा नहीं होता है, टूरिज्म होता है, नहीं तो यात्रा की फीलिंग से जो जाते थे वो जनरली ये वाला नियमों का पालन करते थे, भोजन की शुद्धि, साधना, दान पुण्य, चार नियम जरूर होते थे, प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, भोजन की शुद्धि, दान पुण्य, सत्संग, साधना, ये नियम जरूरी था। तो इसलिए हमारा भी यात्रा है, इसलिए हमारा भी रोज सत्संग और रोज हम दान पुण्य करते हैं, देते हैं ना, सबको हर चीज देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, और भोजन की शुद्धि और सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता। तो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, जब यात्रा पर जाते तो यात्रा के समय पवित्र रहते, फिर घर में आकर पतित बनते, वह हुई अल्प काल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते, बाप कहते मेरी मत श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल अपवित्र नहीं बनेंगे। ये ज्ञान की स्पेशलिटी है ना, इस ज्ञान की, ओनली इस ज्ञान की स्पेशलिटी है कि ऑटोमेटिक प्योरिटी नेचुरल फील करने लगते होते हैं, इतनी नेचुरल और इतनी इम्पोर्टेंट प्योरिटी की फीलिंग कभी नहीं आती इसमें। तो यही भगवान के ज्ञान का सबसे डायरेक्ट प्रूफ है। जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां बच्चे कभी, हाँ सत्युग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है, सगाई होती है पर पतित पना पूरा सिस्टम से ही चला गया, तो वहां तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां बच्चे, अब योग बल के बच्चों की वो प्रूफ क्या होगा, योग बल से बच्चे कभी रोएंगे नहीं। अच्छा, तो जन्मते ही रोएगा नहीं, बोलो डॉक्टर साहब, योग बल से बच्चे, देखो वहां बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, चंचल होंगे, शैतान नहीं होंगे। जो नाक में दम कर देते ना, एक होता है चंचलता, वो अच्छी भी लगती है, बच्चा भागेगा करेगा, वो तो बैठा थोड़ी रहेगा, योग युग थोड़ी रहेगा सारा समय, लेकिन वो जो चंचलता, वो शैतानी करते ना, इधर फोड़ा उधर, कौन से बच्चे का, कोई मुझे बता रहा था, वो जाता था टेबल लेके जाता है बालकनी में, चीजें यहां से ले जाता है, जाके फेंक देता है, वो जो भी हाथ में चीज आता है फेंक देता है, ये शैतानी होते हैं ना, इसीलिए सभी होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहां कहां मुझे लगता है जहां ब्राह्मण आत्माएं गई है ना, वो बच्चों का हम सुनते हैं, बहुत शांत मूर्त है, मतलब चंचल है लेकिन ऐसे, मतलब ये वो नेचर, वो वाला सुख देने के लिए आते बच्चे, ये दुख देने लोग के यहाँ तनुज और श्रेयस दोनों इसी तरह के बच्चे थे। अच्छा, सुख देने के लिए। हाँ, और बल्कि तनुज कभी थोड़ी सी करता था तो कहता था टुडे आई एम नॉटी लाइक कृष्ण जी। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। तो बाबा कहते बच्चे, वहां बच्चे कभी शैतानी नहीं करते क्योंकि वहां माया होती नहीं,
बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म ही हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है, ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारिया आपस में भाई बहनों, शिव बाबा बॉडी कॉन्शियस मतलब सटल सूक्ष्म विकर्म होता रहता है ना, शरीर हो समझते ही सब कुछ होता है। तुम सब कुमार कुमारिया आपस में भाई बहनों, शिव बाबा के पोत्रे हो गए, वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते, कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ। देखो यही करेजियस एक्ट है कि होते हुए सब कुछ लेकिन मन नहीं चलता, तो यह बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे, ऐसा रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है, लोग समझते ये बहुत मुश्किल है, परंतु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते, सिखलाया ना युक्ति बाबा ने। और यही और खुद के लिए जैसे जैसे एक एक विकार पर जीत पाते ना तो क्या फील होता है, विजयी। जैसे सपोज भोजन था, नहीं खाना है, नहीं खाया, चाहे बीमारी के कारण भी, सब लोग खा रहे थे, मैंने नहीं खाया, तो क्या लगता है, और मन भी नहीं चला, खाया नहीं वो बात। याद आती है ना, तो लगता है ना कि विक्टोरियस की फीलिंग, विजयीपन की फीलिंग। तो बाबा कहते हैं ये बहादुरी दिखाओ कि संकल्प ही नहीं चले। हाँ बहादुरी, हाथ उठाए बहादुरी वाले, संकल्प ही नहीं चले। एक होता है ऊपर से पर एक होता है, बाबा कहते हैं कि भाई अगर संकल्प भी आए कर्म में तो मत लाओ, वो स्टेज भी ठीक है, पर संकल्प ही ना चले, ऐसी भी आ गई होगी ना स्थिति सबकी। नहीं है चलाना, अच्छा गुड। बाबा कहते हैं भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, लोग समझते ये बहुत मुश्किल है। शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो देवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है, ब्रह्मा का पद विष्णु से भी ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप से सेवा नहीं करेंगे, वहां तो तुम राज्य करेंगे। मौज की दुनिया है, मौज की दुनिया है, बस वेट कर रहे हैं दीदी कब पहुंचेंगे, वेट कर रहे हैं। अरे मौज की दुनिया अभी है, नहीं वो ठीक है पर बाकी दुनिया को देख के बहुत खराब लग रहा है। वेटी हाँ पर कहते हैं ना वेट करने में ज्यादा मजा आया, ये शादी हो जाए उसके बाद तो वो तो फिर वही स्टाइल हो गई ना, शादी के बाद बाबा के साथ है, एक्चुअली अभी बाबा के साथ है ना इसलिए मजा है। अच्छा तो बाबा कहते हैं, बाबा याद है सामने कौन पढ़ा रहा है, आज का पुरुषार्थ है ना एक घंटे का। तो बाबा कहते मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते, तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं तुम शेरनिया हो, क्योंकि तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो, ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है,
मुख्य है एक, शक्ति देने वाला शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार है उनों का भी नाम है, बड़े काम में जो भी मददगार बनते हैं ना तो उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है, पर उनका भी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। हाँ, शालिग्राम के रूप में, इसलिए अभी तक पूजा होती है। आत्मा, उन आत्माओं की जो शिव के साथ, इस संगमयुग का कनेक्शन है। हाँ, शालिग्राम पूजा, और एकदम बाजू में, मालूम है ना शालिग्राम कहाँ होता था? शालिग्राम और शिव का कॉम्बिनेशन कहाँ देखा है किसी ने? जम्मू में, जम्मू में, जम्मू में है। हाँ, जम्मू में देखा। वो लिंग के बाजू में ही होता है, नीचे भी नहीं होता है जनरली, वो लिंग के ऊपर ही, वो स्टैंड जो है ना, वो सारा चारों तरफ शालिग्राम से करते हैं। जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं ना उन लोगों को ज्यादा। अजय भाई दिखाना अगर कोई मिला तो, फोटो जम्मू का है। उस छोटे छोटे बट्टे होते हैं एकदम ओवल शेप्ड, और वो पूरे शिवलिंग के चारों तरफ लगा देते हैं स्टैंड के। जम्मू में दूसरे रूम में है, उसमें नहीं है, उसमें मंदिर में नहीं है, दूसरा कमरा ही शालिग्राम का बना बिना शिव। पूरा शालिग्राम है। पंडित को पूछा था तो उन्होंने बोला 33 करोड़ देता है। 1 करोड़ सा, अच्छा 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़ शालिग्राम है। हाँ, जम्मू के पंडित। चलो तो बाबा कहते वही उसी का याद कर, कहीं ना कहीं तो होगा ना उसकी याद। प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है, है ना? आजकल कई जगह की गृहस्थी है फिर बाद में संन्यास लिया, बाबा कहते हैं गृहस्थी को तो गुरु करने का फायदा ही नहीं है। और है एक्चुअली, ने देखा हुआ है पवित्रता की। हाँ, बट बाबा कहता है वो देखते हैं, मतलब जो हम हमारा अनुभव है कि कहीं ना कहीं उनकी रग होती है बच्चों के प्रति, गृहस्थी है ना तो अपने बच्चों के प्रति रग होती होती है, कुछ भी हो जाए। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कोई बच्चा कर दे। अच्छा, बाबा तो सब बातों से फ्री कर दिया। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को, वह कभी भी पावन बना न सके, इसलिए वो क्या कहते हैं चलता है, वो थोड़ा रिलैक्सेशन रखते हैं अपने प्रिंसिपल्स में, क्योंकि खुद गृहस्थी रहे। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते परंतु कुछ सन्यासी नहीं बने, तो यह भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है, गृहस्थी गुरु बन करके बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। यह तो बाप, यहां तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो, पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बने, वो वर्ड नहीं आया, तो बच्चा बनो मतलब तो बच्चा कहलाएंगे, अगर पवित्र बने तो बच्चा कहलाओ, तो पवित्र नहीं तो नो बच्चा, बच्चा की स्टेटस भी नहीं। पावन बनने बिगड़ तो राजा ही नहीं मिलेगी, तो बाप से जरूर योग लगाना है। वर्षा ही नहीं मिलेगा ना, बाप की प्रॉपर्टी सत्यु वर्षा, तो कैसे मिलेगा बिना? तो पवित्र बने, बच्चा बने, बच्चा बने, वर्षा मिले। स्वर्ग में वह तो फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं सत्युग में।
वहां सुख बहुत है, और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं है। इसलिए वेदांत का फॉर्मूला भी है, स्वर्ग जो है ना क्या है, काग विष्ठा समान है, सॉरी नरक का सुख और स्वर्ग भी कोई सुख नहीं है, वो टेम्पररी सुख है। क्यों वो सन्यासी ऐसे कहते हैं, रॉन्ग नहीं है, वो राइट है एकदम। 500 साल पहले आए परमधाम से ऊपर, उन्होंने शांति का ही सबसे ज्यादा अनुभव किया, स्वर्ग में तो है ही नहीं। तो जो चीज का अनुभव ही नहीं किया उसका फिर वो उसको एनकरेज भी नहीं करेंगे। एक्चुअली दीदी मेरे को जो समझ में आया, मैंने कईयों से पूछा वेदांतियों से, तो वो लोग स्वर्ग की तो बात ही नहीं करते हैं। हाँ वो तो है ही नहीं ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है उनके। हाँ वो केवल मोक्ष की बात ही करते हैं। स्वर्ग में तो जाना आना होता है, गए फिर नीचे पुण्य खत्म हुआ, तुमको नीचे धकेल दिया, ये कंसेप्ट है ना, और वो राइट भी है। तो इसलिए पर मैं हमेशा एक ही वो जब उन वेदांत पढ़ते थे हम, एक ही मैं सोचती थी, क्योंकि देखते थे ना घर में कि बाबा के ज्ञान से कितना मेहनत पुरुषार्थ करते हैं गुणों के ऊपर, तो मैंने कहा खाली स्वर्ग में जाना है तब भी इतने गुण धारण करने होते हैं, तो आप तो मोक्ष बोल रहे हो, उससे भी ऊंचा तो आपके तो ज्यादा गुण होने चाहिए, और वो तो प्रैक्टिकली थोड़ा और काफी कम दिखाई देता था। काफी कम क्या, कुछ भी नहीं कर बताते वो लोग ना, मतलब थोड़ा थोड़ा बता देते ना, खाने की बात नहीं दीदी, कुछ खाने की, हाँ खाने बेसिक तो नहीं है, प्योरिटी नहीं है, बेसिक खान पान की शुद्धि नहीं है, वहाँ केवल वेदांत को पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ। वो ट्रेन में हम जाते थे, हम तो क्योंकि ज्ञान में भी थे और भक्ति में भी थे, तो उन लोगों के साथ वृंदावन जाते थे, तो हम ट्रेन में, हम तो कुछ नहीं खाते थे और वो सब कुछ खाते थे ट्रेन में, क्योंकि भक्ति भी थी मतलब ज्ञान भी था, तो खाते नहीं थे, सब अलाउड है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इस समय, हाँ तो देवता धर्म वाले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, अरे तुम देवी देवता धर्म क्यों, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं, देवता है तो बहुत थोड़े हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, वही मनुष्य से देवता बनते, थोड़ी शिक्षा लेंगे तो, थोड़ी शिक्षा लेंगे थर्सडे संडे मुरली सुनेंगे तो संडे संडे बनेंगे, तो साधारण प्रजा में आएंगे, ऑर्डिनरी प्रजा में आ जाएंगे, दूर है कृष्ण का है वहां, एकदम दूर उस महल में, दूर से देखेंगे कृष्ण, नजदीक खेलेंगे थोड़ी कभी श्री कृष्ण के साथ, प्रजा तो होगी ना 9 लाख प्रजा, इनकेस अगर वो भाग्य मिला होगा तो। बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना कि वो राजा की गद्दी पे बैठेंगे बाद में जब राजा उठे, हाँ ये बात बाबा ने, राजा की गद्दी पर बैठेंगे, जैसे कोई होता है ना राजा उठ जाए उसके बाद गद्दी, वैसे। तो बाबा कहते हैं परंतु गिर अच्छा क्योंकि पतित बन गए, सॉरी तो अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, देवता है तो बहुत थोड़े हैं, अब वो तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से विजय माला में आएंगे, अब तो रूहानी आशिक माशुक बनना है, सत्युग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी, अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है, एक माशुक, एक बाबा याद है सामने बाबा, हाँ अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना एक माशुक का। बाप कहते मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा, गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए, अगर गिर गया लिखना चाहिए बाबा हमने काला मुंह कर दिया, रियलाइज करके लिखो कि बाबा ये गलती मैंने कर दी। एक्चुअली
यही लिखना, अभी हम मिले थे ना निर्भय भाई से मिले थे, उन्होंने भी बोला कि चार्ट लिखना, आई एम ओके, या लिखने की नेचर हो। लिखना क्यों? खुद के साथ खुद बातें करना होता है लिखना, दूसरा रियलाइजेशन होती है। और जो खुद को रियलाइजेशन है ना लिखते समय, आज मेरी पूरी दिन ना बाबा को याद ही नहीं किया, आज मेरी स्थिति ना इधर उधर रॉन्ग गलत हो गई, जो खुद का रियलाइजेशन होता है ना वो रियल चेंज कराता है। तो इसलिए लिखने से रियलाइजेशन ऑटोमेटिक आती है। बाबा कहते हैं लिखो, हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी, 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। ये श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है, श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड और सुंदर से श्याम बनने में 5000 साल, 5000 साल लग जाता है सुंदर से श्याम बनने। आजकल कहाँ कहाँ एक चित्र आता है श्री कृष्ण का, आधा चित्र श्याम और आधा चित्र गोरा। हाँ, बहुत बहुत आता है। हाँ, श्याम सुंदर ऐसे आता है, किसी बीके ने बनाया होगा। हाँ, हम आप ही होंगे शायद। मतलब सिंबॉलिक है ना, अच्छा राइट है। बाप कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है, 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी आत्मा इस समय, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी। वैसे सफाई है, प्योरिटी, बहुत सफाई है मन, आत्मा की सफाई है, तो गोरी बन जाएगी। जैसे ही साफ होता है ना तो चाहे कितना भी काला हो कहते गोरा हो गया, सफाई, तो आत्मा गोरी बन जाएगी, 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएंगे, फिर श्याम बनेगी। ये श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है, श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड और सुंदर से श्याम बनने में 5000 वर्ष। 5000 वर्ष। दीदी साउंड गई, सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनिया हो गई काली। हसीन मुसाफिर का नाम है, हसीन सुंदर मुसाफिर। हसीन सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं, सत्युग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहेगी, क्योंकि 5 तत्व, देखो उसका लॉजिक क्या है, 5 तत्व सतो प्रदान होने से शरीर भी सुंदर बनते। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सेल्वेज करना, प्योरिटी से ये सेल्वेशन है। सेल्वेज मतलब क्या, मुक्त करना डूबे हुए। तो व्यक्ति डूबता कहाँ है, कहते आंख डूब गई, डूबना, इसलिए वो वर्ड ही फॉल इन लव, फॉली बोलते हैं, वो फॉली हो जाता, डूब जाता। डूबना मतलब गया, सेल्वेज करते। इसलिए आंख कहीं भी, इवन जैसे वो ये भी पुरुषार्थ करते, कोई की कर्टन अच्छे, कोई की ये अच्छे है, वाइट है वहां अच्छा लगता है, बट इधर भी आंख डूबती है, कहां से लाया, कैसे हुआ। वो किसके वर्ड थे कोई क्लास में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इंस्टेंट कोई आए पूछे आपका कर्टन कहां से लाए, ये चीज कहां से लाई, ये पूछे शांति कहां से लाई। तो कहीं भी आग डूबे नहीं, ये फीलिंग। तो बाबा कहते हैं पवित्रता तो बहुत अच्छी है,
भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवारों के महल बनाएंगे, ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उनों की ऐसे ख्यालात चलेंगे। यह है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पौत्रे हो प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम सब जवानी बच्चों की जवानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन कोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर वन ब्यूटी है, पवित्रता ही नंबर वन ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। आज बाबा ने कह दिया ना, पवित्रता नहीं तो बच्चा नहीं। तो इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा है, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उठाना उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड स्वरूप की सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने, ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड। सेवा करते समय स्व की सेवा चल रही है, ये पुरुषार्थ। तो उसके लिए क्या है, स्व की सेवा कैसे कहेंगे? अपने फीलिंग्स के ऊपर अटेंशन। जब हम बाहर सेवा कर रहे हैं साथ साथ में अपनी फीलिंग्स पे अटेंशन, क्या फीलिंग्स चल रही है बाबा की, वही फीलिंग्स में अटेंशन, बाबा की याद, बाबा की सेवा, वो चली जाती उसी में लगे, फिर वो सेवा भी डिस्टर्ब करती है, सेवा भी मूड ऑफ करती है। फिर कहते हैं बहुत, अब मैं ना बाबा को याद करना चाहती हूँ, बहुत सेवा हो गई। तो कि उस समय कमाई नहीं हो रही थी ना अपनी,
इसलिए इसलिए दादी क्या करती थी, मैंने कल भी बताया ना, वैसे भी सेवा से आई, सेवा के समय तो करती थी सेवा, और एकदम वहां मीटिंग में जाना है 10 मिनट पहले एकदम साइलेंस में चली जाती, दरवाजा बंद, पूरी डीप साइलेंस में, और फिर सेवा करते समय याद याद रहा आज। तो सेवा में वृद्धि का साधन ये स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड। स्लोगन है हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद के इच्छाओं की अविद्या, कितना अच्छा स्लोगन है। मोस्ट प्रॉस्परस पर्सन, हद के इच्छाओं की अविद्या। एक्चुअली ये वरदान बाबा से रोज लो, इच्छा मात्रम अविद्या, ये वाला। और सचमुच ये वरदान काम करता है, करेगा, अगर सचमुच अगर हमारी रियली इच्छाओं से हम परेशान है, ये हो गया फिर ये प्रॉब्लम, ये इच्छा वो इच्छा, तो महान संपत्ति वाला, आत्मा की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, आत्मा को जो है उसमें मजा आता है, क्योंकि इच्छा नहीं है, इच्छा होने से जो है वो उसमें इतना मजा ही नहीं आता, क्योंकि आगे की और ख्वाहिश चल रही थी। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरा है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, जो हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं का पार बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती है, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है, ऊपर जड़ें ऊपर है, वहां भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि। ये सीक्वेंस है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे फिर वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म है 6ठा तत्व, अखंड ज्योति महतत्व, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकार दुनिया है। बड़ा भी है, पृथ्वी से जल ज्यादा है, जल से अग्नि ज्यादा बड़ा है, अग्नि से वायु ज्यादा क्वांटिटी में, और आकाश तो फिर सबसे ज्यादा है, और उससे भी 6ठा तत्व। तो जहां फिर हम आत्माएं अंडे मिसल ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते, पहुंच गए परमदा, अंडे मिसल शिव बाबा के साथ रहते। तो ब्रह्मांड से अलग यह है साकार सृष्टि। ओके, अच्छा, आज का व्यक्ति सारे योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन हो। यदि बिना याद के सेवा में रुचि ज्यादा है, कितना एक्यूरेट हो रहा है वरदान भी वैसे, तो उससे भी हद आ जाती है। उपराम वृत्ति नहीं होती है, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए याद और सेवा का बैलेंस रखकर आगे बढ़ते चलो। ओनली सेवा और याद के बिगर, तो वो नाम मान पोजीशन
इसमें आ जाती, उपराम वृत्ति नहीं रहती और इसलिए वो ड्रेन्ड ऑफ फीलिंग होती है। तो क्या करे, या सेवा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, याद हो, स्व सेवा हो, उस याद से ऑटोमेटिक स्व सेवा हो जाती। सेवा करते समय याद रहे, स्व की सेवा हो जाएगी। कैसे याद रहेगा, मुझे कंसंट्रेशन तो खाने में, भोजन भंडारे की सेवा में कर रही हूं, रह सकती पूरा। अगर नमक ज्यादा जल जाए, डल जाए तो, नमक ज्यादा डल जाए, सिग्नेचर रॉन्ग कर ले। बाबा कहते हैं अगर मेरी याद में रह के जो भी काम करोगे वो परफेक्ट होगा, उसमें कुछ कमी होगी ही नहीं। फिर तो बाजू में बाबा है, बाबा आज का यही पुरुषार्थ है, जो साथ में रहेगा बाबा बाजू में है। अभी अगर ये पुरुषार्थ करे, पूछते रहेंगे बाबा ठीक है, बाबा करे, साथ में रख लो बाबा का, ऑटोमेटिक याद और सेव। अच्छा है ना, आज का वरदान भी और दोनों एक जैसे। ओके जी, ओम शांति।